The Indian men's recurve team, who won the silver medal in the World Archery Championship after losing to People's Republic of China, was under a lot of pressure to prove themselves, said Atanu Das in an exclusive chat. Indian men's recurve team also bagged the quota for the 2020 Tokyo Olympics. जी बिल्कुल एकदम क्योंकि ये हम लोग बहुत सालों से ट्राई कर रहे थे एक्चुअली मैं तो ट्राई कर ही रहा था और हर बार कहीं ना कहीं थोड़ा सा के लिए चूक जा रहा था थोड़ा सा के लिए हार जा रहा था आधा एक पॉइंट से एकदम माइनर मिलीमीटर से हार जा रहा था और फाइनली हम लोग का टीम बहुत ही अच्छा बना था इस बार मेरे टीम के ऊपर मुझे पूरा कॉन्फिडेंट था और सभी कोई एकदम एक तीसरे के साथ मिल के काम कर रहे थे पूरा टीम वर्क था और सही टाइम पे हम लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइनल पहुंचे अनफॉर्चुनेटली हम लोग गोल्ड मेडल तो नहीं ले पाए लेकिन हम लोग सिल्वर मेडल लेके आए वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो भी 14 साल के बाद मेरे ख्याल से लंदन ओलंपिक से भी पहले एक बार क्वालिफाई हुआ था हम लोग का वर्ल्ड चैंपियनशिप से जब लिम्बा राम सर लोग थे जो लेजेंड माना जाते हैं अभी भी इंडियन आर्चरी के लिए तो उस टाइम के बाद एक्चुअली लंदन ओलंपिक में जो क्वालिफाई हुआ था वो वर्ल्ड चैंपियनशिप से नहीं हुआ था वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो लोग फेल किए थे हम इंडिया टीम और लास्ट वाला जो एक वर्ल्ड कप होता है ठीक ओलंपिक से पहले उसमें जाके क्वालिफाई हुआ था बड़ा ही मुश्किल से और उसमें उस टीम में भी तरुणदीप राय थे और पहले वाला जो 2005 वाला टीम में जो सिल्वर मेडल लिया था पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसमें भी तरुणदीप राय थे और इस बार जो हम लोग टीम एकदम स्ट्रेट टू द फाइनल्स गए वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहले ही मौके में जो हम लोग क्वालिफाई किए इसमें भी तरुणदीप राय थे और ये मैं कहना चाहूँगा कि ये एक हमारे बहुत ही क्या बोलेंगे सीनियर आर्चर तो है ही और बहुत ही अच्छा मोटिवेटर भी है जो कि बहुत लंबा टाइम से खेल रहे हैं और अभी भी अपने आप को मेंटेन करके रखे हम लोग के साथ मैच करके चलते हैं तो ये बहुत ही एक अच्छा चीज़ है जो हम लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप में फर्स्ट टाइम में ही एकदम फाइनल से जाके कोटा लेके आते हैं वेदर कंडीशन देखिए हमेशा टफ ही होता है इस बार हम लोग के लिए थोड़ा आसान इसलिए हो गया था क्योंकि 10-12 दिन पहले हम लोग ऑलरेडी नीदरलैंड पहुंच चुके थे और जो आर्चरी एसोसिएशन ने और साई ने जो काम किया था हमारे ऊपर वो बहुत ही इस क्रूशल टाइम में जो भी इतना सब चल रहा है आर्चरी एसोसिएशन के अंदर उसके बावजूद हम लोग को जो भेजा गया था साई सपोर्ट करके जो हम लोग को 10 दिन पहले भेजा गया था तो वहाँ का वेदर हम लोग बहुत ही अच्छा से जान चुके थे कि कब बारिश हो रहा है कब धूप हो रहा है हवा कैसे चल रहा है किस तरफ से क्या डायरेक्शन में चल रहा है वो सब चीज़ का हम लोग का बहुत ही अच्छा से एनालाइज हो गया था तो उस चीज़ का इफेक्ट जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में दिखा जो हम लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और हम लोग करके दिखाए पहली बात तो जैसे हम लोग कोई भी बड़ा टूर्नामेंट में जाते हैं जैसे टूर्नामेंट एक्चुअली सारा सेम ही होता है कंपटीटर्स सारा सेम होते हैं सारा कंट्रीज सेम होते हैं सिर्फ उसका वैल्यू चेंज हो जाता है जैसे वर्ल्ड कप में जो लोग के साथ हम लोग खेलते हैं वो लोग सेम ही रहते हैं जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में खेलते हैं और ओलंपिक में भी सेम ही रहते हैं लेकिन जैसे वैल्यू चेंज हो जाता है तो प्रेशर बिल्डअप सबका सबके अंदर वो चीज़ अलग हो जाता है कि पता है कि ये जीतने से कुछ फ़र्क पड़ेगा ये हारने से कुछ फ़र्क पड़ेगा और ये हार जीत हारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला तो इस चीज़ से जो है सबके अंदर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है लेकिन हम लोग उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से हैंडल किए जो कि हमारे क्या बोलेंगे साई ने बहुत सपोर्ट किया हर टाइम हर जगह पे हम लोग को सपोर्ट किया और हम लोग को बहुत हेल्प किया और हम चाहेंगे कि ऐसे हेल्प करते रहे ताकि हम लोग और जैसे अपग्रेड हो रहे हैं और आने वाले टाइम पर भी और अच्छा से परफॉर्म कर पाए एकदम क्योंकि ये बहुत ही टफ टाइम एक्चुअली था जो हम लोग ने फाइनल में जाके बहुत सारा चीज़ रिलीज़ किया बहुत सारा अभी बहुत सालों से इंडियन आर्चरी नहीं बोलेंगे क्योंकि कंपाउंड का रिजल्ट अच्छा ही था और रिकर्व वुमेन का भी ठीक ठाक ही था जो सबसे ज़्यादा ख़राब था वो रिकर्व मैन हम लोग का था और लगभग हम लोग मैं तो 5-6 साल से कंटिन्यू टीम में रह के भी उतना अच्छा से कोई भी बड़ा इवेंट में मेडल्स नहीं आ पा रहा था थोड़ा थोड़ा के लिए कहीं ना कहीं चूक जा रहा था लास्ट मेडल आया था टीम का सिल्वर जो एशियन चैम्पियनशिप हुआ था ढाका में 2017 में और 18 में कुछ भी नहीं आया जबकि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था बट वो नज़र नहीं आया क्योंकि मेडल नहीं आया तो परफॉर्मेंस ख़राब ही माना जाता है नॉर्मली लेकिन हम लोग वहीं से ग्रो कर रहे थे जो कि दिखा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में और ये हाँ कि बहुत ही टफ टाइम था इसमें हम लोग को प्रूफ करना था कि हाँ हम लोग हैं
और इसी से बहुत कुछ अभी आगे अच्छा होगा, आई होप।